चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MMS लीक मामले में नई परेशानी। कनाडा से वीडियो वायरल करने के छात्र को आए फोन्स। पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MMS लीक मामले में नई बात पता चली है। पुलिस का कहना है कि कुछ छात्राओं को MMS लीक मामले में विदेशों से फोन कॉल आए थे। इसमें छात्राओं को धमकियां मिली है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। MMS लीक मामले में रविवार को यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद VB को 24 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही सभी वार्डन्स के तबादले किए गए हैं। इसी बीच कहा जा रहा है कि कई छात्राओं ने हॉस्टल छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्राओं को कनाडा से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कॉल्स के जरिए वीडियो फिर वायरल करने की धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ र्यूमर चल रहे थे रिगार्डिंग दी सुसाइड अटेम्प्ट एंड जो MMS को वायरल होने वाले, तो हमने पूरी डॉक्यूमेंट्स इनको दिखा दिए और हमने इंश्योर किया कि बच्चों को FIR की कॉपी भी देंगे हम। कल बच्चों के पास FIR की कॉपी भी हम दे देंगे और रेस्ट ऑफ दी पूरी डिस्कशन के बाद नाउ दे आर कन्विंस्ड कि यस, कि जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से और जो प्रशासन की तरफ से, नाउ दे आर सेटिस्फाइड। सर, स्टूडेंट्स ये जिद पे अड़े थे कि वो लड़कियां जो 7th फ्लोर पे रहती हैं कुछ मिसिंग हैं, उसकी क्या कहानी है सर? मिसिंग हैं या अपने घर चली गई हैं और सामने नहीं आना चाहती? स्टूडेंट्स बार बार ये मांग करते कि उनको लाइए, हम उनसे बात करना चाहते हैं। ऐसा है कि जो ये जो बच्चे हैं ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, प्लस टू के बाद अभी आए हैं, तो ऐसा जो इन्वायरमेंट जो क्रिएट हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो उसके अंदर बच्चे जो हैं वो सामने प्रेस के सामने नहीं आना चाहते थे बेसिकली, क्योंकि हमने प्रेस को मना नहीं किया। आज पूरे दिन पूरी जो प्रेस एंड मीडिया ओपन थी कैंपस में आने के लिए, तो थोड़ा सा वो झिझक रहे थे इसलिए वो सामने नहीं आए। अदरवाइज हमने बच्चों को इंडिविजुअली उनसे मिलवा दिया। हम मोहाली के पुलिस ने ये जानकारी दी है कि गिरफ्तार युवती के फोन से केवल 4 वीडियो मिले हैं। ये सभी वीडियो उसी युवती के हैं जो उसने बॉयफ्रेंड को भेजे थे। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तरफ से दावे वाले वीडियो का मिलना भी बाकी है। पुलिस ने बताया यूनिवर्सिटी में आत्महत्या के प्रयास की खबर अफवाह है, पुलिस अपना काम कर रही है। इधर विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन कर रहे छात्र लगातार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने पुलिस की इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि प्रथम दृष्टया इस बात का कोई सबूत नहीं है कि छात्रा ने हॉस्टल के बाथरूम में अन्य महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाए हैं। पुलिस ने इस मामले में युवती के अलावा 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें शिमला के रहने वाले आरोपी युवती का बॉयफ्रेंड और बेकरी में काम करने वाला एक अन्य शख्स शामिल है। इस मामले में दूसरे युवक की भूमिका अभी तक साफ नहीं हो सकी है। पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से जांच का ऐलान कर दिया है। लिहाजा अगर युवती के फोन से कोई वीडियो डिलीट हुए हैं तो उन्हें रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक जाँच भी की जा रही है।